नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आकांक्षा परिहार। दिसंबर के आगे बढ़ने के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सर्दी जोर पकड़ने लगी है। दिन में मौसम साफ रहने के बाद खासतौर पर रात में सर्दी का एहसास बढ़ा है। लेह में शरीर जमा देने वाली ठंड के बीच रात का न्यूनतम पारा -8.0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। वहीं कश्मीर में शीतलहर के साथ विश्व विख्यात पर्यटक स्थल पहलगाम में बीती रात का न्यूनतम तापमान -2.4 और गुलमर्ग में -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच 3 दिन बाद जिला राजौरी और पुंछ को शोपिया से जोड़ने वाला मुगल रोड वाहनों की आवाजाही के लिए खुल गया है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 7 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में मौसम लगभग साफ रहेगा। वहीं प्रदेश के वाहनों के लिए आवाजाही के लगभग सभी मार्गों से बर्फ को हटा दिया गया है। राजधानी श्रीनगर समेत कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में रविवार को मौसम साफ रहा और श्रीनगर में बीती रात का न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में दिन की शुरुआत साफ मौसम के साथ हुई और दिन भर धूप खिली रही। यहाँ दिन का अधिकतम तापमान 24.9 और बीती रात का न्यूनतम तापमान 10.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संभाग के बनिहाल में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री, बटोत में 4.7, कटरा में 9.0, भदरवा में 2.0 और कठुआ में 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। धन्यवाद।